बच्चों, अभी अभी आपने तापमापी यंत्र के बारे में सुना है, तो चलिए हम भी अपना एक खुद का तापमापी यंत्र बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कांच के एक खाली शीशी, एक स्ट्रॉ या खाली रिफिल भी आप ले सकते हैं, और रंगीन पानी। तो सबसे पहले इस कांच की शीशी के ढक्कन में एक छेद करना है और इसमें स्ट्रॉ को फंसाना है। स्ट्रॉ को फंसाने के बाद सेलो टेप से ऊपर से इसे अच्छे से कवर करना है ताकि इसमें हवा ना जा सके। इस शीशी को हम आधा इस रंगीन पानी से भर देते हैं। अब इस ढक्कन को इसके ऊपर अच्छे से दबाते हैं और दबाकर इसको अच्छे से पैक कर देते हैं। साथ ही आप जब इसमें स्ट्रॉ फंसाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉ है वो इस शीशी की तली को न छुए। तो देखिए इस प्रकार से ये तापमापी यंत्र तैयार हो गया। तो ये कैसे काम करता है, चलिए इसके लिए हमें हमारी हथेलियों को रगड़ना होगा। और हथेलियों को रगड़ने के बाद इस शीशे को पकड़ना है। हथेलियों को तब तक रगड़ना है जब तक ये गर्म ना हो जाए। तो मेरी हथेली हल्की गर्म हो गई है, थोड़ा और गर्म करते हैं। तो चलिए गर्माहट महसूस हो रही है। अब मैं हथेली से इस शीशे को पकड़ती हूँ और थोड़ी देर पकड़ कर इसे रखना है ताकि हाथ की गर्मी उस शीशे को मिल सके। तो बच्चों, अभी हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल नीचे हमको दिखाई दे रहा था वो अभी ऊपर चढ़ रहा है, अभी भी ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी हाथों की ऊष्मा इस कांच की शीशी को मिली और जिससे शीशी के अंदर की जो खाली जगह में हवा थी वो गर्म होकर फैलने लगी और उसका दबाव पानी पर पड़ा, जिसके कारण पानी का स्तर जो है वो ऊपर उठने लगा और जो हमें इस प्रकार से हमारे तापमापी यंत्र में दिखाई दे रहा है। तो लीजिए, हमारा तापमापी यंत्र तो तैयार हो गया है। इसे थर्मोस्कोप भी कहा जाता है। तो आप भी अपना थर्मोस्कोप बनाइए।